है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे ही OE एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में OE वेलोसिटी को शो करता है, OC टाइम को शो करता है, AB स्लोप ऑफ ग्राफ जो एक्सीलेशन को शो करता है, BCC टाइम एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, BC को फाइनल वेलोसिटी मानते हैं, OA इनिशियल वेलोसिटी है, और ACD एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो OC को होगा। तो OA यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, BC फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, AD पैरेलल BC के है, तो AD इज इक्वल टू OC होगा जो टाइम को शो कर रहा है। अब हमको यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या मिलेगा? एरिया अंडर स्लोप। जो स्लोप के अंदर एरिया होगा वो क्या हमको शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया ऑफ OABC और OABC, तो नाउ एरिया OABC क्या है? एक ट्रिपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम OABC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ADB, दोनों एरिया को आपस में जोड़ेंगे लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रिथ, तो यहाँ लेंथ क्या है? OC है, और ब्रिथ क्या है? OA है। OA लिखे या CD लिखे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो OA इंटू OC। और फिर एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा? AD, और हाइट क्या हो जाएगा? BD, तो 1/2 AD इंटू BD। इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हम लोग फिगर से ग्राफ से हम लोग देखते हैं BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, तो BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, और यहाँ से BD का वैल्यू निकालेंगे, तो BC माइनस CD इज इक्वल टू BD। अब यहाँ BD को वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC इंटू OA प्लस 1/2 AD, और BD का वैल्यू आपको मिला है BC माइनस CD, तो BC माइनस CD। अब सिंबल प्रूव करेंगे, पुट करेंगे, तो S इज इक्वल टू OC को हम क्या करें? टाइम, तो T। OA को क्या करें? U, इनिशियल वेलोसिटी यू, तो टी इंटू यू प्लस 1/2 AD। फिर क्या है? AD क्या है? OC के पैरेलल है, जो टाइम एक्सिस को शो कर रहा है टी। फिर BC क्या है? फाइनल वेलोसिटी, तो BC माइनस CD। CD क्या है? CD, और CD किसके पैरेलल है? OA के, जो इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे, वी इज इक्वल टू होता है यू प्लस AT। क्या होता है? वी इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहाँ से अगर AT का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? यू पॉजिटिव है, दूसरा साइड में जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव, यानी वी माइनस यू इज इक्वल टू AT। अब वी माइनस यू के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में प्रूव करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू वी माइनस यू इन इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 इंटू टी। वी माइनस यू का वैल्यू क्या है? AT, तो AT, तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इस तरह से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बायोग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन को बायोग्राफिकली प्रूव किया जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं।